नमस्कार नीरज टेक्स में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक स्मार्ट वॉच का जिसका नाम है अमेज़फिट GTS 2। और साथ ही इस स्मार्ट वॉच के स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए जो टेम्पर्ड ग्लास है उसको कैसे यूज करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी देखेंगे उसके अनबॉक्सिंग के बाद। और वो जो टेम्पर्ड ग्लास है वो है प्लस ब्रांड का। चलिए पहले इस अमेज़फिट GTS 2 को अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। इसका स्पेसिफिकेशन जो विशेषताएँ हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और ये देखिए बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स का डिज़ाइन पिछले GTR 2 की तरह ही है। दोस्तों ये स्मार्ट वॉच मैंने अमेजोन से 12,999 रुपये में परचेज़ किया है। और देखिए इस बॉक्स के एक साइड में चार्जिंग बेस रखा हुआ है और दूसरे साइड में यूजर मैनुअल रखा गया है जो बहुत ही आकर्षक तरीके से रखा गया है। और इसके बीचों बीच स्मार्ट वॉच अमेज़फिट GTS 2 को रखा गया है जो देखने में बहुत ही शानदार और आकर्षक लग रहा है। ये स्मार्ट वॉच प्लास्टिक और मेटल का बेजोड़ मिश्रण है, मतलब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है इससे इसमें मजबूती भी मिलता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर और ग्लॉसी प्रतीत होता है। ये चार्जिंग बेस जो पिछले स्मार्ट वॉच अमेज़फिट GTR 2 था सेम उसी की तरह इसका भी चार्जिंग बेस है, यानी बोले तो दोनों का चार्जिंग बेस एक ही जैसा है और इसको एक दूसरे में लगाया जा सकता है। ये मैग्नेटिक तरीके से काम करता है। इसके बैक साइड में जो सेंसर लगे हुए हैं और इसके बॉटम में एक छोटा सा होल है जो माइक होल है, और इसके अपोजिट में जो स्पीकर है, इन दोनों के द्वारा ही हम ब्लूटूथ के थ्रू कॉलिंग रिसीव कर सकते हैं। और इसके स्ट्रैप को हम अलग भी कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, पिछले GTR 2 के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे जो आप भी देख सकते हैं मेरे वीडियो मेरे चैनल पर जाकर। तो उन्होंने पूछा था कि क्या हम मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो हम उस समय भी बताए थे उस वीडियो में और इसमें भी दोबारा बता रहे हैं कि इस स्मार्ट वॉच द्वारा हम कॉल को रिसीव कर सकते हैं, इसे हम डायल नहीं कर सकते, यानी ये आउटगोइंग के लिए यूज किया नहीं जा सकता है और ना ही मैसेज को रिप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ मैसेज को पढ़ सकते हैं। और आइए अनबॉक्सिंग करते हैं इसके टेम्पर्ड ग्लास को, यानी इसके स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेम्पर्ड ग्लास जो प्लस ब्रांड का है उसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको किस तरह अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। दोस्तों ये टेम्पर्ड ग्लास अपने स्मार्ट वॉच पर कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए कोई विशेष टेक्निक या कोई विशेष फंडा नहीं है जो हम आपको अपने साथ मतलब शेयर करें। तो आप बस इस जो पिक्चर है इसको देखें और उसको फॉलो करें तो आप आसानी से कर पाएंगे। और पहले भी हो सकता है आप मोबाइल वगैरह पे जिस तरह टेम्पर ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर को यूज किए हैं उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। तो तब तक हम अमेज़फिट GTS 2 के जो मेन फीचर्स हैं उनको बताते हैं। इसमें 3D कर्व बेजल लेस डिज़ाइन है जो आप लोगों ने देखा, और 1.65 एमोलेड डिस्प्ले है जो एमोलेड डिस्प्ले इसके विशेष फीचर ऑलवेज इन डिस्प्ले इसमें जो दिया गया है इससे और इसमें निखार आता है। और ब्लूटूथ द्वारा कॉलिंग फीचर भी मौजूद है, मैसेज नोटिफिकेशन भी इसमें मिल जाता है। और ये देखिए ZEEP जेप जेप अप्लीकेशन द्वारा हम अपने स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें दिया गया है। और साथ ही इसके अलावा पिछले जितने भी वीडियो हैं अमेज़फिट के मेरे वो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल से आपको कनेक्टिविटी का बताया गया है, इसमें शॉर्टकट तरीके से बताया गया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इसके विशेषताओं को गिनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, PAI यानी पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस जो है इसमें मौजूद है। इसके द्वारा आप अपने शरीर के जो एक्टिविटीज़ को है उसे मॉनिटर कर सकते हैं मोबाइल में भी और अपने स्मार्ट वॉच में भी। और इसमें SpO2 मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो मौजूदगी है
ब्लड में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज रेशियो है वो सब आप इसमें देख सकते हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। और इसमें 90 स्पोर्ट्स मोड मौजूद है, जो कि अभी तक हमको लगता है सबसे ज़्यादा है इस स्मार्ट वॉच में। यानी सैमसंग वगैरह में देखते थे तो वो 40-50 के आसपास, या अदर जितने भी ये स्मार्ट वॉच हैं उसमें लगभग 50 से 60 के आसपास थे। इसमें 90 स्पोर्ट्स मोड मौजूद है, साथ ही इसमें 3 GB का स्टोरेज दिया हुआ, जिसमें आप लगभग 400 गाने को स्टोर कर सकते हैं और उसे आप म्यूजिक सुन सकते हैं। इसमें 7 डेज का बैटरी लाइफ दिया गया है, यानी ये बैकअप 7 दिनों का देगा। और जबकि GTR 2 जो था, जो मैंने दिसंबर में अनबॉक्सिंग और वीडियो बनाया था, उसका जो बैकअप था वो लगभग इससे डबल 14 डेज का था। इसमें GPS मौजूद है, जिसके द्वारा आप वर्कआउट में मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका कुछ फीचर। और साथ में इसका जो वज़न है, जो 24 ग्राम का, वो बहुत ही लाइट वेट होने के कारण हाथों में फील नहीं होता है कि हम कोई बल्गी सा वॉच यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही हल्का लगता है और अच्छा लगता है। तो देखिए ये कैसे हमने अप्लाई किया है टेम्पर ग्लास को, और आप उसको ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप भी आसानी से कर पाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आप करते करते अभ्यास के द्वारा उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हल्का सा बबल आया, ये हल्का सा है, वो आगे चल के वो गायब हो जाएगा। आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ये दिख जाएगा। और देखिए अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये ग्लास लगाने पर भी उतना ही स्मूथ वर्क कर रहा है जितना पहले वर्क कर रहा था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो वो रीज़न आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको दूर करें। और इसमें देखिए ये थोड़ा बहुत हमने इसमें कुछ डिटेल डाला है, जैसे कंपास वगैरह का और कैसे यूज करते हैं वो सब डाला है, लेकिन इसका टोटल कंप्लीट जो डेप्थ रिव्यू है वो हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगा। यानी इसके इंड स्क्रीन या आई बटन, ऊपर के आई बटन को टैप करके आप उसमें पूरा डिटेल रिव्यू जान सकते हैं। ये बस एक अनबॉक्सिंग वीडियो था, यानी ये स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेम्पर ग्लास है उसका अनबॉक्सिंग और उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में मैंने इसमें थोड़ा बहुत जानकारी दिया है। बाकी डेप्थ रिव्यू आपको मेरे अगले वीडियो जो आई बटन या लास्ट के इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए ऑलवेज इन डिस्प्ले किससे वर्क करता है। ओपन वर्कआउट, स्टार्ट वॉकिंग, ओपन हार्ट रेट, ओपन सेटिंग, वॉच फेस, ओपन म्यूजिक, स्टार्ट प्लेइंग।